किस राज्य ने लगाया 14 दिनों का कोरोना कर्फ्यू और कहां शराब की दुकान पर लगी भारी भीड़। बिहार में कहां कोविड और नॉन कोविड का हो रहा है एक साथ इलाज। घातक वायरस से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बेकाबू महामारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है, ऐसे में राज्य में 14 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्नाटक में कर्फ्यू कल रात से लागू किया जाएगा। कर्नाटक में कल से 14 दिनों के लिए कर्फ्यू का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीर बेंगलुरु की एक शराब दुकान की है, जहां शराब खरीदने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की राजधानी लखनऊ में ही धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। केजीएमयू में एक महिला एम्बुलेंस में तड़पती रही और परिजन हॉस्पिटल में एडमिट कराने में बेबस नजर आए। प्राइवेट हॉस्पिटल में एंट्री फुल का बोर्ड है। जयपुर के कोविड डेडिकेटेड RUHS अस्पताल में अव्यवस्था का ये आलम देखिए। यहाँ पंखे तक नहीं है, मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई है लेकिन दूसरे हाथ से वो खुद पंखा करने के लिए मजबूर है। पूरा अस्पताल फुल है। अस्पताल के बरामदे तक में मरीज लेटे हुए हैं। सूरत के आयुष अस्पताल में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड ने मिलकर 16 कोरोना मरीजों की जान बचाई, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हाहाकारी कोरोना की वजह से बिहार के गोपालगंज में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गईं। सदर बाजार में सामान्य मरीजों को भी कोरोना मरीजों के साथ रखा जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत ऐसी है कि यहां एक ही सिलेंडर से 3-3 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी खूब हो रही है। पुलिस ने रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये 70,000 रुपयों में एक इंजेक्शन बेच रहे थे। इनके पास से 7 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार ने टीका बनाने वाली कंपनियों को 1,11,000 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी करने की अनुमति दे रखी है और देश के लोगों को हराने की कोशिश की जा रही है। सुरजेवाला ने देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए। यूपी के अलीगढ़ में एक मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर और अन्य स्टाफ की पिटाई कर दी। इसके बाद सारा मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला गया। कोविड केयर सेंटर में 250 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। रिटायर्ड पीएसी कर्मी की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए मारपीट की थी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।